सितारगंज के पास चिकाघाट के पुल के नीचे एक बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई पर वन विभाग से कोई मौके पर नहीं पहुंचा। इससे गांव वालों में आक्रोश है क्योंकि वो रास्ता ऐसा है जहां पर स्कूल के बच्चे और तमाम लोग साइकिल से आते जाते हैं। वहां पर पास में गन्ना भी खड़ा हुआ है। अगर वन विभाग द्वारा बाघ को नहीं पकड़ा गया तो यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है। गाँव वालों का कहना है कि खेतों पर जाने से हमें डर लग रहा है। मैं मोहम्मद आसिफ दानिश इंडिया चैनल के साथ हम इस टाइम खड़े हैं चिकाघाट पुल के नीचे। यहाँ पे लाखों लोग अपनी प्लेजे करते हैं और खेती करते हैं और गन्ना की फसल भी करते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह आज दिखाई देने का बाघ दिखाई दिया गया है यहाँ पे, और उसके पंजे भी दिखाई दिए हैं शेर के। और यहाँ पे वन विभाग को खबर भी दे दी गई है लेकिन वन विभाग मौजूद नहीं है अभी तक, और कोई बड़ा हादसा होने की संभावना भी है। अगर मौके पर नहीं पहुंचा सही तरीके से, अगर बाघ को कब्जे में नहीं किया गया तो लाखों लोग यहाँ पे फसल करते हैं, उनमें से बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर वन विभाग की इस तरह लापरवाही रही तो एक कोई हादसा बड़ा होने की संभावना है। जब पंजे का उसकी तलाश की गई तो यहाँ आकर के आसपास ये गन्ना जो है पास में यहाँ गन्ना है उसमें गया हुआ है सुबह से तड़के करीब 4 बजे से, और अभी अभी देखा सबने कि ताजे पैर बने हुए हैं, बिल्कुल अभी अभी ताजे पैर आपको हाँ दे चुके हैं इसकी सूचना, लेकिन अभी तक मौके पर कोई नहीं पहुंचे। ये कम से कम तो 15-20 आदमी तो ये लोग यही करते हैं जहाँ ये पंजे दिखे हैं, बाकी यहाँ कैलाश नदी से और नुकलिया तक सारे पलेज वाले ही हैं बेचारे, ये नीचे सब मजदूर हैं सर, और हम पलेज में यहाँ काम करते हैं और अभी तक मतलब वन विभाग वाले नहीं आए। पहले भी एक पलेज